साइबर सिटी गुरुग्राम में नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मॉल्स में बने पब्स और बार हाउसफुल हो गए। पुलिस ने मॉल्स में एंट्री बंद कर दी। मॉल के अंदर जाने की जिद कर रहे युवकों ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ भी मार दिया। इसके बाद आधा दर्जन ज्यादा पुलिस वालों ने उन दोनों युवकों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों युवकों को लाठियों से पीटा। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी उन्हें पीटने लगे। दरअसल पब में नया साल मनाने आए कुछ युवक मॉल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से मॉल में एंट्री बंद कर दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। मॉल की जो सिक्योरिटी है वो अपनी आईडी चेक करी थी। आईडी चेक करते वक्त वो बहस करने लगा तो सिक्योरिटी वालों ने उसको वापस कर दिया। कोई ऐसे विवाद नहीं है। कुछ गौड़ा पुलिस उनको पहले ही हिदायत दी थी कि रोड के ऊपर कोई पब्लिक खड़ी ना हो, उनको शांति से उनको निकालते रहे, और पब्लिक को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यहाँ पे कोई साधन नहीं है, अपने धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएं। इफको इधर सिकंदरपुर मेट्रो इस तरफ, इफको चौक की तरफ टैक्सी वगैरह का इंतजाम किया गया है। पूरे एमजी रोड पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे, जिनमें घुड़सवार पुलिस वाले भी शामिल थे। बावजूद इसके जब पब से युवतियां बाहर निकलने लगी तो सड़कों पर मौजूद शराबी मनचले उनके पीछे पीछे चलने लगे, उनसे बदतमीजियां करते हुए नजर आए, और ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। जब मीडिया का कैमरा घूमता तो पुलिस कर्मियों की नींद टूटती और वो मंचनों को तितर बितर करते, लेकिन फिर भी पुलिस का दावा है कि नए साल का जश्न बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। हमारी नोटिस में नहीं है और ये चलते हुए हैं बिना साधन के, ऐसी कोई नहीं है। पब्लिक जा रही है, उनके साथ लेडीज जा रही है। नहीं, उनको घेरा गया है, ऐसा लड़कियों को आगे छेड़ रहा है, पीछे पीछे पुलिस आराम से जा रही है। नहीं, उनको भेजा जा रहा है उनके नजदीकी रास्ते पर जहाँ भी है टैक्सी खड़ी है वहाँ तक छोड़ा जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। साइबर सिटी गुरुग्राम में नए साल का जश्न बिना किसी परेशानी के मनाया जा सके, इसके लिए गुरुग्राम के एमजी रोड को 31 दिसंबर की शाम से ही गाड़ियों के लिए नो एंट्री जोन कर दिया गया था, क्योंकि एमजी रोड पर करीब 3 दर्जन पब और बार हैं, जहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में हजारों लोग आते हैं। ऐसे में सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एमजी रोड को नो व्हीकल जोन बनाया गया। तो वहीं किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो, इसके लिए पूरे एमजी रोड पर करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिनमें घुड़सवार पुलिस वाले भी शामिल थे। मिलाकर हम ये कहें कि अगर गुरुग्राम में नए साल का जो जश्न मना उसमें छिटपुट ऐसी घटनाओं जहां बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी, लाठियां चलाई, साथ ही लोगों को यहां से भेजने के लिए कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस काफी मुस्तैद दिखी। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।